गाइस आज मैं इस वर्ल्ड में ऐसे ही घूम रहा था और मुझे मिली ये चिकन। इसको देखने के बाद ना मुझे अपने चिक्कू की याद आ गई। फिर मुझे याद आया कि मेरी एक डुओ सर्वाइवल सीरीज भी थी जिसमें मैंने और भाई ने बहुत कुछ किया है। उसमें हम लोग ने इतना मस्त घर बनाया था और उसमें हीरो ब्रांड भी आया था, अगर आपको याद होगा तो। हम लोग ने उस वर्ल्ड के अंदर बहुत मजे किए, बट काश वो वर्ल्ड हमारे जाओ एडिशन में आ पाता। ऐसा मैं क्या कर सकता हूँ जिससे मैं अपनी डुओ सर्वाइवल वाली सीरीज को जाओ एडिशन में खेल पाऊँ? हाँ, एक आइडिया। आपको याद है वो ओपी बाबा करके बंदा था जिसने मुझे माइनक्राफ्ट से GTA 5 की वर्ल्ड में भेज दिया था? हम लोग उससे कुछ पूछ कर देखते हैं। A few moments later. शायद से इसका घर यहाँ कहाँ पर ही था। ओके, उसका घर सामने ही है। हेलो बाबा जी, आप हो अंदर? अरे मैं नहीं होती, मेरा भूत होती अंदर। अरे यार सीरियस हो जाओ ना बाबा। अगर तुमको हम दिखती तो आ जाती ना, सवाल क्यों करती? ठीक है बोलिए क्या होती। अरे एक मिनट, तुमको हम किधर तो देखेला होती। हाँ, तुम जानती मुझे। ए, तुम हमारी एक्टिंग क्यों करती? हाँ बाबा, वैसे आपका बोलने का स्टाइल क्यों चेंज हो गया? अरे हबीबी, हम दुबई जाती, वहाँ से आती और हमारा स्टाइल चेंज हो जाती। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। वैसे बाबा मुझे आपकी हेल्प चाहिए होती, मतलब मुझे हेल्प चाहिए आपकी। तुम पहला बोलना सीख जाती फिर हमसे बात करती। ठीक है, अभी निकलती है। अरे नहीं रुको यार बाबा प्लीज। मुझे क्या हो गया बोलती है? मुझे अपनी जो पॉकेट एडिशन की वर्ल्ड है डुओ सर्वाइवल की, उसको जावा एडिशन में चाहिए। हम क्या तुम्हें गेमर लगती? हा? नहीं, हम क्या तो तुम्हें बाबा होती ना, तो बाबा तो कुछ भी कर सकती। हमें सोचने देती थोड़ा टाइम। अरे ये पागल आ गया फिर से, इसको क्या बोल के भगाऊं? क्या बोला वैसे आपने? नहीं कुछ नहीं बोलती। हम सोचती, दिमाग लगाती बहुत सारा। आइडिया आती। क्या आइडिया? हमारा एक फ्रेंड होती, वो मैजिशियन होती। के? बहुत अच्छा मैजिशियन होती। क्या होगा क्या मैजिशियन से? वो आपका काम करती। और क्या करती? वैसे उनका नाम क्या है? ये तो आपने बहुत कठिन क्वेश्चन पूछ लिया हमसे। उसका नाम सुन के आप डरती तो नहीं ना? नहीं नहीं, मैं क्यों डरूंगा नाम सुनकर। उसका नाम होती महाप्रभु जग 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 क्या नाम है उसका? नाम महाप्रभु जगत सागर चिंतामणि होती। भाई ये क्या है, कैसा नाम है? मैं भी वही सोचती। ठीक है, वैसे वो रहते कहाँ हैं? हम आपको एड्रेस देती, आप चुपचाप यहाँ से निकलते और आप मेरी फीस भी उनको ही भर देना। ठीक है, फीस में मालूम है ना, एक स्टैक डायमंड। मेरे पास अभी तो पैसा नहीं है, मैं उस मैजिशियन को दे दूंगा। ओके, नो प्रॉब्लम होती। वैसे बाबा आप एड्रेस तो दो। आप यहाँ से सीधा जाती, लेफ्ट मुड़ती। हाँ? फिर एक और एक लेफ्ट आती, बट वहाँ से लेफ्ट नहीं मुड़ती। अरे कहाँ से कहाँ लेफ्ट मुड़ती? अभी वो आप देख लेती, हम कुछ नहीं बताते। अच्छा एक चीज बताती। क्या? एक पहाड़ होती। हाँ? उस पर उनका घर होती। ओके। अभी यहाँ से निकलती। वैसे वो मैजिशियन स्कैम तो नहीं कर देगा ना? अरे नहीं नहीं, वो तो हमारा पुराना दोस्त होती, हम साथ में स्कूल जाती, मजा करती। ओके, तुम टेंशन फ्री होती। अच्छा है गाइस, इस पागल वाले बाबा ने मुझसे पैसे के बारे में नहीं पूछा। चलो अभी ढूंढते हैं उस मैजिशियन को, और इसने एड्रेस भी बहुत अजीब तरीके से दिया है। फिर मैं चले गया अपनी जर्नी पर उस जादूगर को ढूंढने के लिए। रास्ते में बहुत सारी कठिनाई आई, बट उस कठिनाइयों को काट कर मैं आगे बढ़ा और मैं पहुंच गया इस जंगल में। कहाँ जाऊँ अब मैं? उसने तो कुछ बोला था माउंटेन टाइप की जगह पर रहता है वो। चलो हमारी जर्नी इधर खत्म नहीं हो सकती, लेट्स गो। ओह भाई, ओके, उधर शायद से माउंटेन्स है। हाँ उधर माउंटेन भी है। अरे ये मुझे क्यों घर जैसे लग रहा है, शायद से ट्री हाउस में रहता है। ओके तो यही है वो जगह जहाँ पर मुझे मिलेगा वो जादूगर। चलो ऊपर चलते हैं। सर सर सर, कौन आया? भाई डराओ मत यार, मैं इधर से बात कर सकता हूँ। आप वही जादूगर हो क्या? तू कौन है ये बता। मैं आप वो ओपी बाबा को जानते हो? कौन ओपी बाबा? अरे एक ओपी बाबा करके बहुत खतरनाक सा बाबा है। अरे ओपी बाबा को आप नहीं जानते? कौन ओपी बाबा? उनने बोले थे कि आप और वो साथ में पढ़ते थे स्कूल में। स्कूल में साथ में पढ़ते थे? अच्छा ओपी, ओम प्रकाश प्यारे लाल। अच्छा मेरा पुराना दोस्त। हाँ मुझे याद आया। अच्छा तुम तो हमारे मेहमान हो, आओ अंदर आओ, घर में आओ। अरे जादूगर जी मैं नहीं आ पा रहा अंदर। अरे रुको, मुझे अपना जादुई बैरियर हटाने दो। अभी देखो ये बैरियर हट चुका है। ओ, अरे हाँ। अरे मैं ऐसा ऐसा जादूगर नहीं हूँ, क्या समझे हो मुझे? हाँ बताओ पुत्र तुम्हारा काम क्या है? एक्चुअली बात तो बहुत ज्यादा लंबी है, मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ। मैं माइनक्राफ्ट खेलता हूँ जावा एडिशन में, पहले मैं खेलता था पॉकेट एडिशन में। तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? जाओ पहले वाले इसमें खेलो ना, मुझे परेशान करने क्यों आए? अरे वो नहीं है बात बाबा। अरे एक्चुअली बाबा नहीं हूँ मैं, जादूगर। ओके एक्चुअली मेरी जो पुरानी पॉकेट एडिशन की जो वर्ल्ड थी ना, वो मेरे लिए बहुत प्यारी थी, मुझे उसको जावा एडिशन में प्ले करना है। तो इसमें मैं
क्या कर सकता हूँ बताओ जल्दी। आप कुछ जादू करो ना जिससे वो पॉकेट एडिशन वाली वर्ल्ड जावा एडिशन में आ जाए। ये थोड़ा सा कठिन हो सकता है। ऐसा मैं क्या करूँ जिससे तुम्हारी पॉकेट एडिशन की वर्ल्ड जावा एडिशन में आ जाए? प्लीज कुछ दिमाग लगाओ। हाँ एक तरीका है। क्या 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 क्या? बट वो बहुत ज्यादा रिस्की है। अगर वो सक्सेसफुल हो गया हा? फिर तो तुम्हारा वर्ल्ड आ जाएगा। बट अगर वो फेल हो गया तो तुम्हारी ये वर्ल्ड और वो तुम्हारी पॉकेट एडिशन की वर्ल्ड दोनों डिलीट हो जाएगी है? और तुम्हारे बारे में सब कोई भूल जाएगा। तुम एग्जिस्ट ही नहीं करोगे। अगर ये फेल हो जाता है तो सब लोग तुम्हें भूल जाएंगे, मैं भी भूल जाऊंगा। क्या तुम ये करना चाहते हो? रिस्क तो लेना पड़ेगा। बट तुम्हें एक चीज तो मालूम ही होगी, मैं ऐसा किसका भी काम फ्री में करके नहीं देता हूँ। मुझे माल चाहिए। ओके। लायो माल। अरे बाबा एक मिनट, मुझे बस अकेले से थोड़ी बात करनी है, मैं आता हूँ। हाँ मैं बाबा नहीं हूँ ऐसे। हाँ जो भी हो आप जादूगर हूँ। अच्छा आप जादू भी हो, इज्जत नहीं है क्या मेरी? गैस ये बंदा तो पैसे मांग रहा है, बट मैंने तो कुछ भी नहीं लाया हूँ। मेरे पास तो कुछ नहीं है, मेरे इन्वेंटरी में थोड़ी लकड़ी पड़ी है और एक कोल पड़ा है। कुछ तो दिमाग लगाना पड़ेगा गाइस। हाँ मुझे एक आइडिया आया। अब देखना इस जादूगर के साथ मैं कैसे स्कैम करता हूँ। और जादूगर जी। हाँ बोलो क्या सोचा तुमने? मैंने एक चीज लाया आपके लिए। क्या लाया हो? मुझे ऐसी ऐसी चीज नहीं चाहिए, मैं हाई वैल्यू वाली चीजें लेता हूँ, समझा? वो नेदरराइट से भी बेस्ट चीज है भाई। नेदरराइट से भी बेस्ट? को मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए, बताओ ये क्या है? ये तो कोल है। अरे यार क्या करते हो आप, ये कोल नहीं है। अरे ये क्या बोल रहा है, ये तो सीधे से दिख रहा है कोल है। क्या हो, मैं आपको बोलूं कि ये नॉर्मल सा कोल नहीं है, एक्चुअली ये कोल ही नहीं है। अरे ये क्या बोल रहा है, मेरे को दिखता नहीं है क्या? ये एक स्पेशल डायमंड है। डायमंड? इसमें ऐसा क्या स्पेशल है? आपको तो ये मालूम ही होगा कि डायमंड्स कोल से बनते हैं। अच्छा ऐसा है क्या? अरे नहीं मुझे तो मालूम था। हाँ मुझे तो सब कुछ मालूम है, जादूगर हूँ मैं। हाँ मैं अभी आपको एक टोटका बताने वाला हूँ जिससे आप इस स्पेशल टाइप के कोल को डायमंड में बदल सकते हो। क्या बात है, डायमंड में बदल सकते हो? हाँ हाँ। और ये तो सही है, बताओ बताओ क्या है टोटका? इसको आपको रोज 6:03 पर पानी में भिगोना है। सुबह के या शाम के? सुबह के। अच्छा फिर उसके बाद क्या करना है? और फिर 6:10 पर इस कोल को पानी में से निकाल देना है। ऐसा आपको एक हफ्ते तक करना है, फिर देखना है कैसे बनता है डायमंड। सही है यार, मुझे एक दो नहीं चाहिए, मुझे पूरा स्टैक चाहिए। मेरे पास स्टैक तो नहीं है, बट मेरे पास 9 कोल है जिससे आप डायमंड का ब्लॉक बना सकते हो। भाई साहब आप इतना तो कर ही सकते हो, मैं आपको स्पेशल टाइप का कोल दे रहा हूँ। इसमें से जो डायमंड बनेगा ना वो नॉर्मल डायमंड से बहुत अलग बनेगा। चलो तुम इतना बोलते ही हो तो मैं ले लेता हूँ। अच्छा चलो ये लो, अभी तो मैं अमीर बनने वाला हूँ। चलो बाबा अभी आप मेरे काम पर लग जाओ। हाँ रुक जाओ, मुझे थोड़ा वार्म अप करने दो। गाइस मुझे थोड़ा डर लग रहा है यार। अरे जादूगर जी आप ठीक तो ना? अरे आपको कुछ तो नहीं है? अरे ये मेरा वार्म अप है। ओके ओके चलो अभी लगते हैं काम पर। वैसे बाबा जी आप करने क्या वाले हो? अरे कितनी बार बोलूं बाबा नहीं हूँ मैं, जादूगर हूँ। अच्छा जादूगर जी आप करने क्या वाले हो? सबसे पहले तो मैं अपनी ये जादुई मणि को इस पर रखूंगा, इसके करीब बिल्कुल भी मत जाना। ठीक है ठीक है ठीक है, इसके करीब सिर्फ मैं ही जा सकता हूँ। ओके ओके अभी आओ मेरे जस्ट सामने खड़े हो जाओ। ओके मैं इसको एक्टिवेट करने जा रहा हूँ, आर यू रेडी? Yes, I'm ready. मैं तुम्हें एक और एक बार याद दिलाना चाहता हूँ कि इसमें बहुत सारी रिस्क है, क्या तुम फिर भी करना चाहोगे? चलेगा मैं करूँगा। अभी मैं अपना एक स्पेशल मूव करने वाला हूँ तो मुझे डिस्टर्ब मत करना, ठीक है? ओके ओके ओके। अरे एक और चीज भाई, अगर कुछ गलत हो गया तो मेरे भाई को तो पता चलना चाहिए ना कि मैं इस वर्ल्ड में एग्जिस्ट करता हूँ। अरे मुझे डिस्टर्ब मत करो, मुझे डर लग रहा है कुछ हो ना जाए। अरे मैं डिस्कनेक्ट क्यों हो गया? एक मिनट, क्या मैं फेल हो चुका हूँ? रीलोडिंग वर्ल्ड डेटा, क्या हो रहा है? मैं वर्ल्ड में वापस आ रहा हूँ क्या? यार अगर कुछ गलत हो गया तो फिर मुझे कोई नहीं पहचानेगा। देखते कि मैं जादूगर से मिल पाता हूँ या फिर नहीं इस वर्ल्ड के अंदर। अरे मैं ये कहाँ पर आ गया? एक सेकेंड भाई, भाई ये तो हमारे सर्वाइवल सीरीज का घर है ना। ये देखो हमारा घर इधर है, ये हमारा एन्चेंटमेंट टेबल हो सब, और ये हमारा फिशिंग फार्म। गाइस आई कांट बिलीव दिस, मेरा ये प्यारा वीट फार्म। गाइस अभी ना हम लोग भाई को सरप्राइज देने वाले हैं, मैं बस उनको बोलूंगा कि अपना सर्वर ज्वाइन कर लो, फिर बाद में उनका रिएक्शन देखते हैं। चलो भाई जल्दी आओ। हाँ आ रहा हूँ आ रहा हूँ। ऐसा क्या दिखा रहा है तू मेरे को? वो भाई ये तो अपना सर्वाइवल वर्ल्ड है। हाँ कैसे लाया तूने भाई?
वो बहुत बड़ी कहानी है, वो कभी और सुनाऊंगा। मुझे तो लगा कि ये पॉसिबल नहीं है करना। यार पॉसिबल है, सब यादें ताजा हो गई पुरानी। अरे ये देख यहाँ पर एक चेस्ट भी है, इसके अंदर मेरा सामान है। मेरा सामान है? ओ भाई मेरा सामान है वो सब। हाँ मुझे मालूम है, मेरा सामान तो इधर है। आपका तो फालतू सामान है। फालतू? ये फालतू सामान है? तेरे से तो अच्छा ही है, बस एन्चांटेड बुक भी है, डायमंड की पिकैक्स भी है। अरे हमारा फिशिंग फार्म, इसके अंदर भी अच्छी खासी लूट होगी। हाँ हाँ देखो इधर कितनी सारी लूट है इसमें, कितनी सारी फिश है भाई। अरे अरे ये मेरी जगह है, मेरी जगह। आप भाई ये मेरी जगह थी, मेरी थी भाई। ओके हाँ मैं भूल गया भाई, देखो इसमें कितनी सारी सैडल्स है। अरे हाँ मेरा डॉग भी तो है। हाँ वो विलेज में है। हाँ मैं उससे मिलकर आता हूँ जब तक। चलो ठीक है, चलो गाइस भाई तो चले गए अपने डॉग के पास। हम लोग भी वीडियो का एंड करते हैं यहाँ पर, एंड आई नो कि आप लोग भी बहुत ज्यादा खुश होंगे क्योंकि हम लोग इस सीरीज को कंटिन्यू करने वाले हैं। अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो फिर लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।